नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं यार आपके लिए लेकर आया हूँ एक दीपचंदी में छोटा सा एक बढ़िया सा हाथ, ये आपने अक्सर सुना होगा। और अभी तो बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा। और ये ढोलक आज उड़ीसा जाना है, विश्वनाथ जी पारिक की ये ढोलक है और उन्होंने स्पेशली बोला है कि इसका वीडियो आप डालें, तो आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छी ढोलक है, वेटेड है और 6.5 इंच का इसका चाटी है और 9.5 इंच का बेस है और बहुत ही प्यारी ढोलक बनी है जी, बिल्कुल हल्की। टोन भी देख लीजिए इसका, प्यारी ढोलक है दोस्तों। और मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी है, बहुत हल्की बज रही है और बहुत ही अच्छा बजाते हैं जिनकी ये ढोलक जा रही है, श्री विश्वनाथ जी और उड़ीसा के बहुत फेमस ढोलक वाले हैं, कलकत्ता वगैरह में उनका प्रोग्राम चलता है। और ये उनका बैग है, देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बैग है, पूरा वाटर प्रूफ है और इसमें दो पॉकेट भी मिलती हैं हमें, एक हथौड़ी पाउडर डालने के लिए, बेल्ट वगैरह आपका, और ये एक्स्ट्रा पॉकेट है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। और अंदर से मैं आपको ये दिखा देता हूं दोस्तों, ये पूरा खड़ा ही रहता है, इसमें आप चाहे इतना वजन रख दीजिए ऊपर से ये बैठेगा नहीं। और ये अंदर से देख लीजिए दोस्तों, पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है और अंदर भी अच्छी एक लेयर है, ये 3 लेयर से बनता है बैग, तो इसलिए डैमेज ज्यादा होता नहीं है और आराम से इसकी लाइफ 6-7 साल जैसा आप इसे रखेंगे इजिली ये बहुत सालों सालों साल तक चलेगा। और ये अच्छा बैग है, ये देख लीजिए आप, पूरा लुक इसका नया है, जब इसमें ढोलक रखेगी तो ये पूरा क्लीन हो जाता है। तो ये कल कुरियर से जाना है ये बैग और ढोलक, और ये मेरी ढोलक है, आप जानते ही इसे, ये मेरी है, इसे हालांकि बहुत पुरानी हो गई है। और आपको ये बैग भी मिल जाएगा हमारे यहाँ पे, ये वाला, ये केस है ढोलक का और ये भी अच्छा रहता है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये बैग थोड़ा कैरी करना बहुत इजी होता है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कहीं और से केस लेंगे तो आपको ये जो हमारे यहाँ पे मिलता है ये आपको मिलेगा नहीं, ये बैग वाली जो हम टांगते हैं जैसे, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको इजीली इस रस्सी में मिलेगा, वो निकल जाता है तो आपका फिर केस पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा लें कहीं से भी लें। और ये बैग जो है कि हम लोग हैंडमेड खुद बनवाते हैं, हमारे यहाँ ऑल इंडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एमपी में ही मिलेगा ये, और हम जहाँ से बनवाते हैं तो वहीं से ये हमारा डिजाइन है दोस्तों। और ये बहुत अच्छा बैग है, नीचे से भी देख सकते हैं आप इसे, इस तरीके की आपको ये मिलेंगे फुटरेस्ट, ये इसके मतलब ऊपर रहता है, इस पर वजन भी आप रख सकते हैं, नीचे नहीं होगा दोस्तों, तो इसीलिए ये खड़ा ही रहता है बैग, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। और इसका ऑर्डर करना हो तो इसका भी कर सकते हैं, आप कांटेक्ट करिएगा, मैं नंबर और अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो आप इजीली कांटेक्ट कर लेना। तो देख लीजिए, कुछ बजा के दिखाता हूँ इसमें, का बिल्कुल स्मूथ
चाहती देख लीजिए, रिकॉर्डिंग टाइप बनाई है पूरी इनके लिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वगैरह में बजाते हैं। तो चलिए कुछ बजाता हूँ, आपको सिखाता हूँ। दीपचंद जी का एक छोटा सा हाथ बताता हूँ आपको, और आगे भी कुछ बताऊंगा। और माफ कीजिएगा थोड़ा सा लेट वीडियो डाला हूँ मैं, क्योंकि बिजी रहता हूँ थोड़ा सा प्रोग्राम की वजह से। बहुत जल्दी चढ़ जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ। हाथ है बहुत अच्छा है, धागे ना टिक्का धीना, इसके बोल रहे धागे ना टिक्का धीना, धागे ना टिक्का धीना, सिंपल है। सिंपल है तो धा साथ में मानना, थाप के साथ में, फिर गे ना इतना ही है, तो धागे ना टिक्का धीना। तो इस साइड से देख लीजिए आप, तो धा में थाप के साथ बजाना है इस तरीके से, तो धीना भी हम थापी के साथ बजाएंगे। आप चाहें तो सिंपल भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो इस साइड भी देख लीजिए आप, देख लीजिए, बहुत अच्छा हाथ है दीपचंद जी में ये। तो चलिए फिर से आपको बता देता हूं, तो आप उठा सकते हैं इससे धा धिन धा धा धिन, सिंपल जो ताल है। इसका जो ताल मैं बता चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना। तो इस तरीके से तो बहुत सिंपल है, और आगे भी बहुत सारे हाथ हैं दीपचंदी में बताने के लिए। तो दोस्तों ये ढोलक कल चली आएगी उड़ीसा विश्वनाथ जी की, और ये बहुत ही अच्छी ढोलक बनी हमारे शॉप से उनके लिए। हालांकि बहुत दिन का उनका ऑर्डर लगा हुआ था, और कई ढोलक जाती हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि मेरी ढोलक का वीडियो आप बनाएं, तो स्पेशली उनका बना रहा हूं। और आगे भी मैं बहुत सारी ढोलक जो सेल होंगी, तो उनका भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा। और ये बहुत अच्छी ढोलक बनाई है दोस्तों, देख लीजिए। एक बार फिर से आप देख लीजिए, तो धागे ना टिक्का धीना, तो धागे ना टिक्का धीना, धागे ना टिक्का धीना, सिंपल दीपचंद जी का हाथ है। तो कराता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उनका वीडियो भी बन गया ढोलक का, और वो विश्वनाथ जी देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें टोन। तो दोस्तों अगर आपको ढोलक मंगाना हो, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट पे
कॉल करिएगा या व्हाट्सअप, तो आपको मैं और भी ढोलक जो हमारे यहाँ पे रहती हैं तो उनका भी मैं पिक फोटो वीडियो जो भी आप कहेंगे मैं भेजता रहूँगा। और बैग वगैरह आपको चाहिए हो, केस वगैरह चाहिए हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हमारे यहाँ पे सब अवेलेबल हैं। तो आप वाद्य यंत्र जो भी आप मंगाना चाहें, ढोलक, कॉन्गो, तबला, बोंगो, जो भी इम्पोर्टेड में भी हमारे यहाँ पे मिलता है, एलपी वगैरह जो भी आप बोलोगे, दरगुगा से लेके हर एक चीज़, तो आपको सब मिलेगा हमारे यहाँ पे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी ढोलक आपको मिल जाएगी। हालांकि कहीं से भी लें लेकिन अच्छा ढोलक लें। और ये फुल शीशम की ढोलक है और ये 2 साल बाद पूरा ब्लैक हो जाता है अपने आप में, तो ये ब्लैक शीशम ही बोल सकते हैं इसे, तो ये पूरा ब्लैक हो जाता है। अभी तो ये पक्के शीशम में है जो कि कत्थई टाइप का रहता है, वो धीरे धीरे वो 2 साल बाद काला हो जाता है, क्योंकि पुरानी लकड़ी जो बनती है तो उसे काला शीशम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी काला हो जाएगा कुछ 1-2 साल में, और इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है। और ये भी मेरा है, दोनों ढोलक हैं, आप इन्हें देखते ही हैं आप वीडियो में इस ढोलक को। और एक और है वो अंदर रखी हुई है मेरी, तो ये शॉप से मैं उठा के ले आया था, तो उनका वीडियो बनना था, देख लीजिए, बहुत अच्छा टोन है। तो दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।